हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग हासिल वाला जोड़ और हासिल वाला घटाव बनाना सीखेंगे। किस प्रकार हासिल वाला जोड़ बनाया जाता है आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को हासिल वाला जोड़ और घटाव में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं दो है, तो दो के लिए हम लोग दो पाई खींचेंगे, एक और एक दो, इसमें हमें कितना जोड़ना है, नौ। तो नौ पाई और खींचेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। अब सभी को गिन लेंगे कितना होगा, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ दस ग्यारह, कितना हुआ, ग्यारह। तो ग्यारह का हम लोग इधर वाला एक लिखेंगे, इधर वाला एक लिखेंगे और इस एक को हासिल रख लेंगे, इसको आगे वाले में जोड़ेंगे। अब यहाँ चार है तो हमें सबसे पहले चार पाई खींचना है, एक दो तीन चार, इसमें हमें सात जोड़ना है, तो सात पाई और खींचेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात। अब सभी को गिनेंगे कितना होगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, और एक ये हासिल कितना हो गया, तो ग्यारह और प्लस एक ये हासिल कितना हो गया हमारा, बारह। बारह का इधर वाला दो हम लोग लिखेंगे, बारह का सॉरी री बच्चों, बारह का हम लोग क्या करेंगे, तो कितना हो गया, ग्यारह और एक इसमें का हासिल बारह। बारह का हम लोग बारह लिख लेंगे क्योंकि इसके आगे कोई संख्या नहीं है जोड़ने घटाने के लिए, इसलिए हम लोग यहाँ जितना आएगा उतना लिख देंगे। अब चलिए अगले सवाल पे। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे कितना है, पाँच, तो हम लोग पाँच पाई खींचेंगे, कितना, पाँच, एक दो तीन चार पाँच, इसमें हमें कितना जोड़ना है, छः, तो छः पाई और खींचेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः। अब सभी को गिन लेंगे कितना होगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ दस ग्यारह, कितना हुआ, ग्यारह। ग्यारह का ये वाला एक हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ये वाला हमारा जो है हासिल हो गया। अब आगे चार है यहाँ, तो चार पाई खींचेंगे, एक दो तीन चार, अब इसमें हमें सात जोड़ना है, तो सात पाई और खींचेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात। अब सभी को गिन लेंगे कितना होगा, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, कितना हुआ, ग्यारह, और एक ये हासिल कितना हो गया, बारह। बारह का बच्चों हम लोग दो लिखेंगे क्योंकि आगे संख्या है, और जो ये एक बचा इसको अगले वाले में जोड़ेंगे। यहाँ तीन है तो तीन पाई खींचेंगे, एक दो तीन, इसमें हमें आठ को जोड़ना है, तो आठ पाई और खींचेंगे, एक दो तीन छः सात आठ। अब सभी को गिन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच सात आठ नौ दस ग्यारह, कितना हुआ हमारा, ग्यारह, और एक इसमें का हासिल कितना हो गया, बारह। तो बारह का बारह यहाँ पे लिख देंगे बच्चों क्योंकि इसके आगे कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पे जितना आएगा लास्ट में जैसे यहाँ पे उतना लिख देंगे क्योंकि इसके आगे कोई संख्या नहीं है जोड़ने के लिए। अब आइए यहाँ पे कितना है, पाँच, और यहाँ पे छः। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पाँच को के लिए यहाँ पाँच पाई खींच देंगे, कितना हो गया, पाँच। अब छः है तो छः पाई, और एक दो तीन चार पाँच छः, अब सभी को गिनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात नौ दस ग्यारह, कितना हुआ, ग्यारह। ग्यारह का ये वाला एक हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ये एक जो है ये हासिल हो गया। अब यहाँ पे तीन है और यहाँ पे सात है, तो
सात और तीन बच्चों कितना होता है? सबसे पहले तीन पाई खींचेंगे और इसके बाद सात पाई, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सभी को गिन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात नौ दस और एक ई हासिल। ये हुआ दस और एक ई हासिल ग्यारह, ग्यारह का एक लिखेंगे और एक जो है हमारा हासिल हो गया। यहाँ पे चार है तो चार पाई, एक दो तीन चार, अब इसमें हमें आठ जोड़ना है तो आठ पाई और खींचेंगे, एक दो तीन चार पाँच सात आठ, आठ पाई खींचना है, आठ पाई खींच दिए, अब सभी को गिन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, कितना हो गया बारह, और एक इसमें का हासिल कितना हो गया तेरह, तेरह का बच्चों यहाँ पे तीन लिखेंगे, तेरह का तीन हासिल हो गया एक। अब इसके बाद नौ है, नौ, नौ में हमें तीन जोड़ना है तो नौ में तीन बच्चों जोड़ेंगे तो नौ, नौ में तीन जोड़ना है तो नौ दस ग्यारह बारह, तीन जोड़ना है हमें नौ में तो नौ हो गया और इसमें तीन जोड़ना है तो नौ दस ग्यारह बारह, कितना हो गया बारह, और एक हासिल इस तेरह में वाला तो कितना हो गया बारह और एक तेरह, तो तेरह का तेरह यहाँ पे लिख देंगे, लास्ट में जितना आएगा उतना हम लोग लिख देंगे क्योंकि इसके आगे कोई संख्या नहीं है। अब आइए हासिल वाला घटाव कैसे बनता है। तो बच्चों सबसे पहले देखिए ये जीरो है, जीरो में से सात नहीं घटेगा, यहाँ पे भी जीरो है, इसमें से भी हासिल इधर नहीं लिया जा सकता है, ये तीन है इसमें से हासिल लिया जा सकता है, तो ये तीन इसको देगा तो ये कितना हो जाएगा दस, अब ये दस हो गया है, एक इसको दे देगा तो ये हो जाएगा नौ और ये हो जाएगा दस, दस में से हमारा सात जाएगा, कितना बचेगा बच्चों तीन, दस में से सात गया तीन, और ये दस हुआ था और एक इसको दे दिया था तो ये नौ बचा है, नौ में से आठ गया हमारा, कितना बचेगा बच्चों एक, नौ में से आठ गया एक, यहाँ दो बचा है क्योंकि ये इधर हासिल दे दिया था तो दो में से दो जाएगा हमारा, कितना बचेगा जीरो। अब आइए इसी प्रकार इसको भी हम लोग सॉल्व करें, तो बच्चों यहाँ तीन है, तो बच्चों यहाँ पे तीन है और ये जीरो है, जीरो में से नौ नहीं घटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस तीन में से इधर एक हासिल देंगे तो तीन है एक दे दिया तो ये दो हो जाएगा और ये हमारा दस हो जाएगा, तो दस में से नौ जाएगा हमारा, कितना होगा एक, और ये तीन था एक दे दिया है तो ये अब दो बचा है तो दो में से एक जाएगा हमारा, कितना होगा एक। इसी प्रकार हम लोग इसे भी सॉल्व करेंगे, जीरो है, जीरो में से नहीं घटेगा तो इस छः में से एक किस में जाएगा, ये दस हो जाएगा, दस है अब ये इसको दे दिया तो ये दस हो गया, ये इसको दे दिया तो ये दस हो गया, तो दस में से दो गया हमारा, कितना बचेगा आठ, दस में से दो गया आठ, तो बच्चों यहाँ पे ये जो छः है इसको दिया था तो दस हुआ था, ये इसको एक दे दिया तो ये नौ हो गया था, ये भी एक इसको दे दिया था तो ये भी नौ हो गया था, तो नौ में से तीन जाएगा हमारा, तो नौ में से तीन जाएगा बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा छः हो जाएगा, कितना हो जाएगा छः, और यहाँ पे नौ है, नौ में से चार जाएगा हमारा, कितना बच जाएगा तो पाँच, नौ में से पाँच चार जाएगा पाँच, और ये छः है एक दे दिया था तो ये पाँच बचा है, पाँच में से दो जाएगा तीन जाएगा हमारा, कितना बचेगा दो, पाँच में से तीन जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, तो यहाँ पे दो बचेगा। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, बच्चों वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।